दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जहां आपको शिक्षा संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं और आपके साथ साझा की जाती हैं। इस बीच अगर कोई जानकारी छूट जाती है तो आप नीचे अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें, जिससे कि औरों को भी फायदा हो सके। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम NTA JEE मेन्स का रिजल्ट आउट होने के बाद अब JEE एडवांस की परीक्षा के लिए फॉर्म आवेदन शुरू कर दिए गए हैं, तो उसके लिए क्या गाइडलाइन है, कब से फॉर्म फिलअप हो रहे हैं और कब तक इसकी लास्ट डेट है और क्या एज होगी, इन सभी बातों पर आज बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि इससे संबंधित सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो NTA JEE मेंस का रिजल्ट आउट होने के बाद JEE एडवांस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज से शुरू, यानी 12 सितंबर से शुरू हो रही है, जिस परीक्षा के ये प्रक्रिया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे और ये प्रक्रिया 12 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर तक चली गई। ऐसे उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होंगे जिन्होंने JEE मेंस का परीक्षा को फाइट किया है, जिसमें वो पास हुए हैं, और ये इनके आधिकारिक जो पोर्टल है JEEADV.ac.nic पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट इस बात का ध्यान दें कि फीस जमा करने की लास्ट डेट 18 सितंबर तक का समय दिया गया है। साथ ही इसमें वही अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे जो टॉप 2.50 लाख अभ्यर्थी कर सकते हैं, जिनकी रैंकिंग 2.5 लाख के अंदर है, वो अभ्यर्थी इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। JEE एडवांस की परीक्षा में JEE मेंस की परीक्षा के टॉप, जैसे बताया गया, 2.5 लाख अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उम्मीदवारों को 1 अक्टूबर, जो उनकी जन्मतिथि है वो 1 अक्टूबर 1995 या इससे पहले की होनी चाहिए, वही अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। इसके अलावा JEE एडवांस की परीक्षा के लिए SC ST और OBC उम्मीदवारों को 5 साल की छूट भी मिलेगी। JEE एडवांस परीक्षा में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट JEEADV.ac.nic पर जाना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको JEE एडवांस 2020 दिखाई देगा। इसके बाद अपना पूरा फॉर्म भरें, हस्ताक्षर करें और अपनी जो फ़ोटो अपलोड कर दें। साथ ही फॉर्म के साथ शुल्क भी जमा करना पड़ेगा। वहीं फॉर्म भरने के बाद उम्मीदवार उसका प्रिंट अवश्य निकाल लें। आप अपना उसका प्रिंट जो है भविष्य के लिए सुरक्षित करके रख लें, निकाल लें। इसकी परीक्षा जो होगी, परीक्षा की डेट दी गई 27 सितंबर और रिजल्ट आउट होने की डेट है 5 अक्टूबर। तो ये परीक्षा भी बहुत ही जल्द लास्ट वीक में हो जाएगी। इस बार जो JEE परीक्षा का एडवांस परीक्षा का जो आयोजन किया जा रहा है, मेंस का भी IIT दिल्ली की ओर से ही किया गया, वहीं यह परीक्षा 27 सितंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा भी JEE मेंस की तरह ही होगी, 2 शिफ्टों में होगी। पहली पाली में जो 9 बजे से और दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। ये परीक्षा इस बार कंप्यूटर आधारित होगी। JEE एडवांस परीक्षा पोर्टल जारी कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा के परिणाम की घोषणा 5 अक्टूबर को कर दी जाएगी। देश भर के जो भी 23 ITI कॉलेज हैं, 1100 से अधिक सीटों पर ही दाखिला मिलता है, मतलब 11000 जो 23 टॉप कॉलेज हैं उनके 11000 सीट हैं, उन्हीं पर JEE एडवांस की परीक्षा के बाद उसमें आप दाखिला ले सकते हैं, मिलेगा। तो अगर आप JEE मेंस की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए हैं तो आप तैयारी करिए और इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप अपना फाइट करिए, जिससे कि आपके टॉप जो कॉलेजेस हैं और जो आपके पसंदीदा कॉलेज हैं आपको मिल जाएँ। अगर इससे बीच कोई जानकारी छूट गई हो तो आप एक छोटा सा कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि सभी को लाभ हो। जय हिंद, जय भारत, और इससे संबंधित सभी